हेलो, मेरा नाम है मंतोष और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है लिफ्ट की वायरिंग। तो आप लोग मेरे को देख रहे होंगे लिफ्ट के अंदर, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एक इलेक्ट्रीशियन को लिफ्ट की वायरिंग में कौन कौन से पॉइंट छोड़े जाते हैं और कहाँ कहाँ पे कौन सा पॉइंट आता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। तो यहाँ पर जो है लिफ्ट लगेगी, तो लिफ्ट का प्रोसेस पहले से ही ड्राइंग में होता है जब बिल्डिंग बनती है। तो ये थर्ड फ्लोर की बिल्डिंग है, यानी कि तीन फ्लोर है, ग्राउंड को मिला के चार फ्लोर हो गए। तो ये समथिंग तीन फ्लोर की बिल्डिंग है, इसमें लगेगी लिफ्ट और ये यहाँ पे लिफ्ट लगेगी और सबसे ऊपर जो है ये एक तरीके का गार्टर छोड़ा जाता है और इस गार्टर की मदद से एंगल है, इसको एंगल भी बोलते हैं, गार्टर भी बोलते हैं। इस एंगल की मदद से सारा सामान आता है चैन कुप्पी की मदद से। तो इसमें वायरिंग क्या क्या करता है एक इलेक्ट्रीशियन, जो जहां पर लिफ्ट लगनी है उस लिफ्ट के लगने से पहले यहाँ पर पॉइंट दिए जाते हैं। जैसे चार फ्लोर हैं, यानी कि तीन फ्लोर चार फ्लोर हो रहे हैं ग्राउंड को मिलाकर, तो हम उसके लिए एक एक पॉइंट, यानी कि एक पावर का पॉइंट देंगे और एक लाइट का पॉइंट देंगे हर एक फ्लोर में लिफ्ट के अंदर। तो उसकी हो रही है ये पाइपिंग। यहाँ पर जो है तीन पाइप हम लेके जा रहे हैं, दो पाइप अर्थिंग के लिए है और एक पाइप है हमारे पॉइंट के लिए और लाइटिंग के लिए। तो ये पाइप जो है ऑलरेडी लगा दिया गया है और इस पाइप के अंदर जो हमारी वायरिंग की वायर होती है उसको हम डालेंगे, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक इस पाइप को लगा दिया है और यहाँ पर ओपन फिटिंग में हम वायरिंग कर रहे हैं। और ये आप देख रहे हो, ये है वायर, ये वायर है फिनोलेक्स कंपनी की और यहाँ पर हम पावर के लिए यहाँ पर दो सर्किट डालेंगे, एक लाइटिंग का सर्किट डालेंगे और एक जो हम पावर के चार पॉइंट देंगे उसका सर्किट है। तो ऊपर से लेकर हम नीचे वायर्स को डालेंगे, ये ऊपर एक पाइप में ही हमारा लाइटिंग का आ जाएगा और एक में पावर का ही आ जाएगा, तो उसी के लिए वायर्स को डाल लें। तो ये वायर एकदम नीचे आएगी और इसी वायर में से हम लूपिंग कर लेंगे पावर के बोर्ड के लिए और एक एक लाइट के लिए, यानी कि हर एक फ्लोर में हमारी एक लाइट लगती है और एक पावर का बोर्ड आता है। इसलिए आता है कि जब भी कभी हमको काम करना है तो ये लिफ्ट जब बंद हो जाती है तो अंदर क्या होता है, अंधेरा होता है, तो कहीं भी काम करना है किसी भी फ्लोर पे तो यहाँ पावर से हम कोई भी मशीन चला सकते हैं और अंधेरा ना हो इसलिए लाइट लगती है। ऐसा हर जगह पे होता है, हर लिफ्ट जब भी लगती है तो एक काम इलेक्ट्रीशियन का ये होता है। तो देख सकते हैं एक पावर का लगा और एक लाइट लगी हुई है, ये ट्यूबलाइट लगी हुई है, एक फ्लोर पे ये लगा हुआ है, इसके ऊपर वाले फ्लोर पे लगा है, इसके ऊपर वाले फ्लोर पे लगा है, यानी कि जितने फ्लोर होंगे उतने फ्लोर पे लाइट लगेगी और पावर का पॉइंट लगेगा। तो ये हाफ भी डाल देगी, तो लाइट का एक ही सर्किट है, इसको एमसीबी में लेंगे और ये जो पावर है उसको भी हम एमसीबी में लेंगे। ये जो सारी जो वायरिंग है ये सारी जाएगी, एक एमसीबी बॉक्स भी लगता है, वो सबसे ऊपर लगेगा एमसीबी बॉक्स, तो वहां पर ये सारी वायर्स को छोड़ा जाएगा। तो एक काम इलेक्ट्रीशियन का ये होता है, तो किट डाले थे वो वायर्स ये है, ये एमसीबी बॉक्स में आ जाएगी और यहाँ पर जो लिफ्ट के लिए जो अर्थिंग है वो दो अर्थिंग दी जाती है और अर्थिंग में जो है दो अर्थिंग इसलिए दी जाती है, एक अर्थिंग जो होती है जो लिफ्ट लगेगी उसकी बॉडी के लिए होती है और जो दूसरी अर्थिंग होती है लिफ्ट में जितने भी पैनल्स लगेंगे जितने भी मोटर्स लगेंगी उसके लिए होती है। तो ये दो अर्थिंग दी जाती है, तो अर्थिंग के बारे में आपको समझ में आ गया। और ये जो लिफ्ट का जो सामान है ये रॉ मटेरियल है, सारा जो है असेंबल किया जाएगा तब कहीं जाके लिफ्ट फिट होगी। तो यहाँ पर जो है जितने भी हमको पॉइंट देने होते हैं वो सारा काम हम लोगों का है, इलेक्ट्रीशियन का है, और बाकी का जो काम है जिसकी लिफ्ट है उन लोगों का काम है। तो मैंने अभी आपको अपना काम बताया, अभी और भी हमारा काम होगा उसके बारे में आगे आपको पता चलेगा। तो ये जो लिफ्ट है, लिफ्ट का जो रॉ मटेरियल है उसको फिट किया जा रहा है, यानी कि असेंबल की जा रही है लिफ्ट को, और लिफ्ट लगाने का जो प्रोसेस है वो ये फास्टनर है। इस फास्टनर के ऊपर, इसमें जो फास्टनर हैं, जितने भी ये फास्टनर आप देख रहे हो ये सारे जीआई फास्टनर हैं और इन्हीं फास्टनर के ऊपर पूरी लिफ्ट रुकेगी और ये हैवी फास्टनर होते हैं। तो लिफ्ट लगाने से पहले यहाँ पे आपने देखा था पहले दूसरा भाड़ा लगा था, अब यहाँ पे बल्लियों का भाड़ा लगाया क्योंकि वेट रखा जाएगा तो वो भाड़ा गिर सकता था, तो हैवी भाड़ा लगना जरूरी था, तो बल्लियों का भाड़ा लगा दिया गया है।
और लिफ्ट के जो एंगल हैं उनको लगा रहे हैं। आप ये जो देख रहे हो ये एक तरीके का गाटर होता है, इसको एंगल भी बोलते हैं, मगर लिफ्ट वालों की लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो इसको बोलते हैं ट्रैक। तो यहाँ पर जैसे रेलगाड़ी का ट्रैक होता है उसी तरीके से लिफ्ट का भी ट्रैक बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है चार ट्रैक बनते हैं, यानी कि चार गाटर लगते हैं, दो ट्रैक बनते हैं। दो ट्रैक आप देख रहे हो यहाँ पे, दो ट्रैक जो होता है वो वेट को लेकर जाता है और दो ट्रैक के ऊपर चलती है लिफ्ट। तो एक तरफ में तीन एंगल लगे हैं और एक तरफ लगा है एक एंगल, इस तरफ लगा हुआ है ये एक एंगल। तो ये चार एंगल हो गए, दो में लिफ्ट लिफ्ट चलेगी, दो ट्रैक में लिफ्ट चलेगी और दो में चलेगा वेट। तो वेट का क्या काम होता है वो भी आगे आपको पता चलेगा। का ट्रैक हो गया है तैयार, ट्रैक तैयार होने के बाद जो हमारी लिफ्ट है, लिफ्ट के जो डोर लगने हैं, डोर के लिए जो फ्रेम है उसको भी लगाना शुरू कर दिया गया है। और फ्रेम को लगाने के बाद और भी इसमें काफी सारे काम होने हैं जिसके बारे में आगे आपको पता चलेगा। तो इसकी जो ट्रैक है वो सब फास्टनर के ऊपर ही रुका है, यानी कि पूरी जो लिफ्ट है वो फास्टनर के ऊपर ही रुकी हुई है। तो ये आपको देख रहा होगा, ये जो ट्रैक है ट्रैक के ऊपर इस तरीके से ये ट्रॉली को लेके ऊपर नीचे आएगा, तो ये लगेगा उस ट्रैक के अंदर। जिस तरीके से ट्रेन होती है, ट्रेन का पहिया होता है वो चलता है ट्रैक के ऊपर, वैसी वो जो मैंने हाथ में पकड़ा था वो चलेगा। तो इस तरीके से जो ट्रैक है उसके ऊपर ये फिक्स कर दिया गया और ये जो ट्रॉली है, ट्रॉली इसके ऊपर रखी जाएगी। ये आप देख रहे होंगे इसके ऊपर ट्रॉली रखी जाएगी, अभी आगे मैं आपको ट्रॉली भी दिखाऊंगा। और इसको लगाने के बाद यहाँ पे जो है डीसी वायरिंग सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जितने भी सेंसर हैं सब में डीसी वायरिंग का होता है। तो जो ये आपको जो वायरिंग दिख रही है सभी डीसी वायरिंग है, और यहाँ पे 24 वोल्ट की डीसी वायरिंग होती है, 12 वोल्ट की होती है, इस तरीके से डीसी वायरिंग लिफ्ट के अंदर ज्यादा होती है, उसके बारे में भी आगे आपको पता चल रहा है। और ये जो पैनल है इसके अंदर जो है डीसी पैनल्स लगते हैं, ये सारे जो लिफ्ट को कंट्रोलिंग पैनल है, लिफ्ट कंट्रोलिंग पैनल है, ये सारा लिफ्ट का कंट्रोल करता है। और ये डीसी पैनल भी है और एसी पैनल दोनों इसी के अंदर है। और इस लिफ्ट में मोटर भी लगेगी, मोटर का क्या काम है उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। तो आपने पैनल देख लिया है, पैनल का भी, और ये है वो मोटर, ये है 10 एचपी की मोटर, और इस मोटर की मदद से ही लिफ्ट पूरी ऊपर नीचे होगी। तो 10 एचपी की मोटर है, तो इसके चालू करने के लिए भी हमको पॉइंट देना पड़ता है, मेन पावर सप्लाई देनी पड़ती है। तो वो किस तरीके का प्रोसेस है उसके बारे में भी आपको पता चलेगा आगे। तो मोटर लगी है, मोटर जो है लिफ्ट को ऊपर नीचे करेगी, और इस मोटर का जो काम है, और ये आपको ऊपर की तरफ जो दिख रहा है इसमें एक तरीके का, जैसे आप मान के चलो इन्वर्टर होता है ना बैकअप के लिए, इमरजेंसी बैकअप के लिए, उसके अंदर बैटरीज का होता है जिसमें इमरजेंसी बैकअप होता है, इमरजेंसी के लिए होता है और उस मोटर को चलाता है। तो मोटर भी लग गई है, मोटर लगाने के बाद इसमें जो ये आपको ये जो केबल्स दिख रही हैं, इन केबल की मदद से ट्रॉली ऊपर नीचे आएगी। तो इसका काम शुरू कर दिया है, ट्रॉली भी लग गई है मगर ट्रॉली अभी ऊपर नीचे नहीं हो रही है। तो ये सारा कुछ लगाएंगे, और ये जो आपको देख रहे हो ये है डीसी वायर। इन डीसी वायर का जो काम और भी होता है, तो ये काम ये है, जो हमारा टॉप फ्लोर है, टॉप फ्लोर पे वहां पर लिफ्ट को चालू करने के लिए मेन सप्लाई का ही प्रोसेस होता है, और एक एमसीबी बॉक्स लगता है। इस एमसीबी बॉक्स के अंदर आपको दिख रहे होंगे ऑलरेडी वायर्स आ रखी है, ये वायर वही है जो हमने पहले डाली थी लिफ्ट के अंदर लाइटिंग और जो पावर का बोर्ड है उसकी सप्लाई के लिए। इस समय अंदर की तरफ लाइट भी जल रही आपको दिख रहा होगा, मगर ये अभी टेम्परेली चालू किया गया है काम करने के लिए। तो इसके अंदर जो ट्रॉली है उसको भी फंसा दिया गया है, ट्रॉली भी लग गई है। और ट्रॉली लगने के बाद जो अभी आपने जो केबल्स देखी थी जिसके ऊपर ये लिफ्ट ऊपर नीचे होगी, उसको भी लगा दिया गया है, और मोटर भी आपको दिख रही होगी। और ये सारा जो है लिफ्ट को कंट्रोल करने के लिए पैनल है, और ये ऊपर की तरफ जो है एक तरीके का इन्वर्टर है, जब भी लिफ्ट कभी लाइट जाती है इमरजेंसी में उसका यूज होता है, एक तरीके का बैकअप होता है उसमें, जैसी लाइट गया बैकअप के लिए उसमें यूज किया जाता है उसको।
दोस्तों लिफ्ट को फंसा दिया गया है, लिफ्ट फिक्स हो गई मगर अभी चालू नहीं होगी क्योंकि अभी यहाँ पे और भी काम बाकी है। और इसके अंदर क्या क्या है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो इसमें फैन भी लगा होता है, जो ट्रॉली होती है ट्रॉली में फैन भी लगा होता है। और ये जो आप देख रहे हो ये सेंसर का जो एक बॉक्स है, इसमें सेंसर की वायर्स लगती हैं। हर एक फ्लोर पे जैसे ही जाता है लिफ्ट, वो डोर खुलता है तो उसकी कंट्रोलिंग की वायर है, वो भी डीसी वायर्स हैं। और यहाँ पे जो अर्थिंग है, दो अर्थिंग इसलिए यूज की गई थी, एक जो है बॉडी के साथ टच हो जाएगी और एक अर्थिंग जो जितने भी यहाँ पे पैनल्स हैं उन पैनल के साथ अटैच होगी। तो दो अर्थिंग का यहाँ पे लिफ्ट में ऐसे यूज होता है। तो ये सारा जो कंट्रोलिंग का पैनल है, एक अर्थिंग यहाँ पे यूज होगी। तो अर्थिंग का आपको काम समझ में आ गया, मगर एक इलेक्ट्रीशियन का और भी काम होता है, वो भी आगे आपको बताता हूँ। मेन सप्लाई देनी है। तो ये देख सकते हो ये जो डोर है, डोर जो बाहर की तरफ डोर होते हैं उनको प्लस 24 वोल्ट लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे डीसी वायर्स का सारा काम होता है। डोर खुलने में, सेंसर ओपन होने में, सब में डीसी वायर का यूज होता है 24 वोल्ट का। बनके तैयार हो गई है दोस्तों। तो लिफ्ट तैयार होने के बाद आपको देखने में कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो ये जो है ये एक तरीके का वेट है, एक ट्रैक पे वेट रुका हुआ है और एक ट्रैक छूटा है ट्रॉली आने के लिए। वेट साइड में है, ट्रॉली आएगी बीच में, तो इन दो ट्रैक पे चलेगी ट्रॉली। और एक पैनल और लगता है जो है कंट्रोलिंग पैनल, वो सबसे टॉप फ्लोर पे ऊपर लगता है। और ये सारी जो वायरिंग है, ये पैनल के लिए वायरिंग है, ये मोटर की वायरिंग है, थ्री फेज की वायरिंग है, और ये मेन सप्लाई की वायरिंग है। तो ये सारी वायरिंग अभी होनी है, मगर अभी जो है हम मेन करंट इसको देंगे लिफ्ट को। तो मेन करंट के लिए यहाँ पे 10 HP की मोटर है। 10 HP की मोटर को चालू करने के लिए यहाँ पे हम 16 mm की वायर, कॉपर की वायर का यूज होता है लिफ्ट में हमेशा। तो यहाँ पे 10 HP की मोटर है, तो उसको चालू रखने के लिए 16 mm की वायर का यूज कर रहे हैं कॉपर की। तो वो 16 mm की वायर को लिफ्ट के जो हमने जो ये यहाँ से इस तरीके से आया, जो हमने MCB बॉक्स छोड़ा है वहां पे लिफ्ट की वायर आएगी। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये 16 mm की वायर आ गई है, बाकी हमारी जो सर्किट की वायर थी वो आ गई है। तो ये यहाँ पे वायर आई है, और ये वायर आने के बाद इसके यहाँ पे MCBs लगेंगी और जो लिफ्ट है लिफ्ट को सप्लाई मिलेगी चालू रहने के लिए। मगर अभी यहाँ पे जो है काफी सारा काम होना बाकी है, जैसे प्लास्टर होना बाकी है। तो MCB बॉक्स को जाम किया जा रहा है, जाम करने के बाद सारा कुछ पेंट वेंट हो गया है और उसके बाद में ये लिफ्ट चालू होने के लिए तैयार है। मगर ऐसे लिफ्ट चालू नहीं होती है, ये समथिंग ट्रायल होता है, इसकी टेस्टिंग होती है, पास होने के बाद ही लिफ्ट को अप्रूवल मिलता है तब चालू होती है। तो ये सारा कुछ होने के बाद ही लिफ्ट को चालू किया जाएगा। तो जितनी भी वायरिंग थी उन वायर को कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे मेन MCB यहाँ पे लगा हुआ है, 4 पोल का TPN लगा हुआ है, जो हमने 16 mm की वायर डाली थी उसके बाद सभी को सप्लाई दिया गया है पूरी लिफ्ट को। और अब जो है लिफ्ट की सफाई हो रही है सबसे नीचे, और ये है वेट, एक तरीके का वेट है। वेट ऊपर जाता है, लिफ्ट नीचे आती है, वो भी प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये स्प्रिंग है, जो लिफ्ट है वो इस स्प्रिंग के ऊपर आके लगती है, और वेट के नीचे भी स्प्रिंग को लगाया गया है कि जो नीचे की जो जमीन है वो खराब ना हो, कहने का मतलब नीचे का जो फाउंडेशन है वो खराब ना हो लिफ्ट जब नीचे आए तो। तो स्प्रिंग भी लगाया जाता है, तो लिफ्ट कुछ इस तरीके से, वेट भी ऊपर है, लिफ्ट भी ऊपर है, वेट नीचे है थोड़ा सा, लिफ्ट ऊपर है। तो इस तरीके से पूरी अंदर से लिफ्ट दिखती है। ये आपको स्प्रिंग दिख रहा होगा, एक स्प्रिंग ये है, तो स्प्रिंग का भी बहुत काम है। तो वो जो वायर हमने 16 mm की जो वायर डाली थी, वो वायर आई है हमारे मेन पैनल में, जहाँ पे मेन पैनल से कनेक्शन देंगे, सप्लाई देंगे। तो ये मेन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है वहाँ से हम लिफ्ट को करंट देंगे। तो पैनल के साथ आपने देख सकते हो थ्री फेज दिए और एक न्यूट्रल दिया है। तो लिफ्ट अब चलने के लिए तैयार है, करंट दे दिया है, और इसकी टेस्टिंग होने के बाद ही इस लिफ्ट को पास किया जाएगा, चालू हो जाएगी। तो दो समथिंग एक हफ्ते तक इसका ट्रायल होता है। तो लिफ्ट का ट्रायल हो गया, ट्रायल होने के बाद ये कुछ दिखने में इस तरीके से है। तो MCB बॉक्स पूरा लग गया है, लिफ्ट मेन, तो सारा कुछ इस पर लिखा हुआ है, स्टिकर लगा दिए गए, और एक टेलीफोन भी है अंदर, जो भी बातचीत होगी हम इस टेलीफोन के थ्रू सुन लिया जाएगा। तो एक पैनल ये है लिफ्ट का, और वो है मेन का पैनल। तो लिफ्ट के
लग चुकी है। लिफ्ट लगने के बाद अब लिफ्ट का प्रोसेस क्या होता है, तो ये लिफ्ट जब चलती है तो वेट जाता है ऊपर, ये जो वेट है ये ऊपर गया और जो लिफ्ट है वो नीचे आएगी। अभी यहाँ पे आप समझो, ये वेट ऊपर आ रहा है, लिफ्ट गई नीचे, तो जैसे ही हमारा वेट जो है यानी कि वजन जो है वो नीचे जाएगा और लिफ्ट आएगी ऊपर, तो एक तरीके से जो हमारा तराजू होता है, तराजू की तरह ये काम करता है कि एक तरफ वेट ज्यादा है वो डाउन हो गया फिर ऊपर हो गया, तो इस तरीके से तराजू की तरह लिफ्ट काम करती है। और ये सारा प्रोसेस करता है ये मोटर। मोटर क्या करता है, केबल को खींचता है, वेट ऊपर नीचे होता है। तो लिफ्ट का प्रोसेस ये है, और ये लिफ्ट होती है पैसेंजर के हिसाब से, तो इसमें जो वेट था वो 680 kg वेट डाला गया था और ये 10 पैसेंजर की लिफ्ट है। लिफ्ट चालू हो गई है दोस्तों, और इसके अंदर ये सारे फीचर्स हैं। वैसे आप लिफ्ट के बारे में आपको पता होगा कि क्या क्या उसके अंदर फीचर्स होते हैं, लाइटिंग का है, फैन का है, और टेलीफोन का है, बेल का है, और डोर को खोलने का है और बंद करने का है, तो ये सारे प्रोसेस लिफ्ट के अंदर होते हैं। तो दोस्तों लिफ्ट जो है चालू हो गई है, और आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कहाँ तक आपको समझ में आई, क्योंकि जो जो इलेक्ट्रिशियन के काम होते हैं, मेन बोर्ड का, अर्थिंग का, पावर पॉइंट का, सारे काम मैंने आपको बता दिए। आप जब भी कभी लिफ्ट की अगर वायरिंग करते तो ये सारे प्रोसेस आपको करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, और जो लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं।